अंकित यस सर ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में पढ़ रहे थे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से होता है। अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा होता है तो उस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाकी कि जो अब तक पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वैसा ये कुछ नहीं होता है। यानी कि ये कंजर्वेटिव नहीं होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव है। यानी कि क्लोज लूप में अगर हम वर्क डन करें किसी चार्ज को लूप में घुमाने के लिए, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। लेकिन जो हम कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, जो चार्ज से जनरेट होता है, तो उसमें क्लोज लूप में अगर हम चार्ज को मूव कराएं तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हुआ करता था, और ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखा था, और कैसे यूज करते हैं वो सब चीज हम लोग देखे थे। और अगर हमारे पास सोलेनोइड है तो उसके अंदर ये फील्ड कैसा जनरेट होता है, इस चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। अब है, एक बोले थे टॉपिक पढ़ने के लिए एडी करंट, तो क्या होता है ये बात हम समझा देते हैं। बाकी जो पढ़ना है उससे पढ़ लेना है, कैसे क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एडी करंट जो होता है, जैसे कि अगर हम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोगों ने ऐसा चीज देखा कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा हो, तो उसमें सर्कुलर शेप में EMF प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि अगर हम देखे थे कि अगर सोलेनोइड के लिए ही केस लिए थे, तो उसी केस के लिए हम देख रहे हैं, अगर इस रीजन में मान लेते हैं जैसे सर्कुलर रीजन है, इस रीजन में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, मान लेते हैं ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो इस रीजन में ऐसा अगर इसको सेंटर मान रहे हैं इसका, तो ऐसा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड गोल गोल प्रोड्यूस हो रहा था इस डायरेक्शन में। अब हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई एक मेटल ले जाके रख देते हैं, यानी कि कंडक्टिंग शीट है, ये मेटल शीट है, ठीक है, मेटल सीट है, मेटल सीट है, यानी कि इसमें जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसको हम इस फील्ड में रख दें, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो क्या होगा देखते हैं। अगर हम इसको इसमें उठा के ऐसा पुट कर देते हैं, यानी कि इस सीट को, मेटल सीट या कंडक्टिंग सीट को उठा के इस फील्ड में अगर हम रख देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा कि ये तो सीट है हमारा, इस सीट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भैरी मिल रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो इसके पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उस पे एक फोर्स लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही घूमने लगेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी घूमने लगेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट रिवॉल्विंग, यहां से हमको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन्स
starts revolving due to induced electric field. यानी कि अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में सीट को उठा के रखें, सीट है पूरा का पूरा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे घूमने लगेगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो हम जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल, हम लोग न्यूक्लियाई के लिए बोलते थे कि न्यूक्लियस के अराउंड में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, अगर ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इसका टाइम पीरियड टी है, तो बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट जनरेट हुआ होगा क्यू बाई टी. तो यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स राउंड राउंड सर्कल में घूम रहे हैं. यहाँ तो ना तो हम पाथ प्रोवाइड किए हैं, ना कनेक्टिंग वायर है, ना ही ईएमएफ बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है. फिर भी इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल शीट में ऐसा गोल गोल राउंड राउंड घूमता हुआ दिख रहा है. अगर राउंड राउंड घूमता हुआ दिख रहा है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी कि देर इज करेंट. ठीक है, ये करेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग एडी करेंट. ठीक है, यानी कि हम एडी करेंट किसको बोल रहे हैं, अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ही हो, मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसमें हम मेटल सीट को मूव करते हुए ले जाएं, तो मेटल सीट में फ्लक्स जो होगा वेरी कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा. तो हमको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ समझ में आ रहा है, तो इस चीज को कंसिडर करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम किसी मेटल सीट को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं, तो ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे. सेम वैसा ही अगर हम लूप रख रहे थे तो वहां भी यही केस था. तो यहाँ हम लूप नहीं रख के पूरा सीट रख दिए हैं. ठीक है, क्योंकि हम लूप में तो हम जानते हैं कि लूप में चलो पाथ मिल गया, वो मूव कर रहा है, सीट है, सीट में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे सीट में ही घूम रहे होंगे, यानी कि अलग अलग जगह पे अपना सेंटर बनाकर. तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट. और ये करंट भी क्या होगा कि इस चेंज को अपोज कर रहा होगा, यानी कि ये भी क्यों जनरेट हुआ है, तो ड्यू टू अपोज तो इट आल्सो अपोज द चेंज. ठीक है, जिस चेंज की वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये अपोज कर रहा होगा. तो इसी चीज प्रॉपर्टी को लेकर हम लोग इसको यूज भी कर लेते हैं, और इसके यही डिमेरिट भी. तो इस करंट की वजह से हमको पता है कि अगर मेटल सीट है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, करंट प्रोड्यूस होगा तो हीट होगा. तो डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, हीट लॉस. हीट लॉस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सीट को किसी का यूज कर रहे हैं तो इसमें करंट अनचाहे तरीके से अगर प्रोड्यूस हो जाए तो उसमें हीट जनरेट होगा. जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, अभी पढ़े नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स पे ऐसा मेटल सीट पे हम लोग कॉइल किया रहता है. ठीक है, यानी कॉइल देखे होंगे कि जनरेटर में भी अगर हम लोग देखें तो ऐसा सीट, यानी कि कोर, आयरन कोर बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, उसके ऊपर कॉइलिंग किया हुआ रहता है. तो जो कोर यूज होता है मेटल का है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के घुमा रहे हैं या मूव कर रहे हैं जैसे भी करें, तो उसमें भी करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से वो हीट ज्यादा होगा. तो इसको अगर सीट है हमारा ऐसा चौड़ा सीट है, ठीक है, इसको अगर हमको हीट को रिड्यूस करना होता है तो हम लोग इसको कट करके ऐसा यूज कर लेते हैं, फॉर्क टाइप का, यानी कि एरिया हम घटा के यूज कर लेते हैं. इस शेप का कटा हुआ देखे होगे टीवी में, पुराना वाला टीवी में दिखता था इस शेप का मेटल सीट लगा हुआ करता था. अभी भी अगर एमसीबी जो यूज होता है अगर कभी खोलोगे तो उसमें भी ऐसा सीट लगा होता है, तो इसी एडी करंट को कम करने के लिए लगा होता है.
अगर इसका थिकनेस कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगा, उनको घूमने के लिए जगह कम दे रहे हैं, तो एडी करंट कम हो जाएगा, और एडी करंट कम होगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा, लॉस ये सब घट जाएगा। अब चूंकि एडी करंट है, हीट जनरेट हो रहा है, और ऊपर से ये मोशन को अपोज भी कर रहा है, जो भी कॉज है उसको अपोज कर रहा है, तो इसी चीज को यूज करते हुए हम लोग इसका यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यूजेस कहाँ कहाँ पे है, तो ट्रेन ब्रेक्स में, ठीक है, ट्रेन के ब्रेक्स में जो हम बोलते हैं कि मेट्रो ट्रेन हो गया या फिर बुलेट ट्रेन हो गया, तो उसमें जो ब्रेक लगा होता है मैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेटिक होने का मतलब यही होता है कि मान लो ये उसका व्हील है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल बना है ताकि समझ में आ पाए। मान लेते हैं नॉर्थ, ये साउथ हरी कर रहा है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा होगा और वेरी कर रहा है, एक ही साइड में हम बता रहे हैं। तो इस वेरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे एडी करंट कुछ जनरेट होगा, और एडी करंट जो होगा इसके, मान लेते हैं इधर की तरफ घूम रहा है ये, तो ये जो एडी करंट के कारण जो फोर्स आएगा इसको अपोज करेगा, और अपोज करेगा यानी कि विदाउट कंटेक्ट ये जो चक्का है घूमता घूमता रुक जाएगा। इसमें फायदा ये होता है कि वियरिंग टेयरिंग कम होता है, जैसे अभी के ट्रेन जो यूज होते हैं, रेगुलर जो ट्रेन हम देखते हैं, उसमें चक्के के पास इस शेप का लोहे का ऐसा चक्का है, ये इसके शेप में ऐसा छोटा सा रहता है, इतना बड़ा नहीं रहता, लगा हुआ रहता है। जब ब्रेक्स लगाना होता है तो हर चक्के पे वो प्रेस करता है, जैसा कि साइकिल का ब्रेक हो गया उसी टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि घिस जाता है तो लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि हर चक्के पे लगा होना मेटल का लोहा का लगा होता है, और घिसता है तो हटाना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसमें ट्रेन के ब्रेक्स में यूज करते हैं। सेकंड, हीट होता है तो इसलिए इंडक्शन हीटर में यूज होता है, ठीक है, इंडक्शन हीटर है तो इंडक्शन हीटर में भी इसको यूज करते हैं। अब चूंकि इससे हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक है, चालू कर दिया, मैग्नेट जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, और उस तरीके से हीट होते रहता है, और बहुत हाई हीट भी इससे जनरेट कर सकते हैं। आजकल इसी का छोटा फॉर्म जो है इंडक्शन हीटर के तौर पे आता भी है, तो उसमें और भी मॉडिफाई किया हुआ रहता है, ऐसे सिंपल सर्किट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ यूजेज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी यूज होता है, जैसे डैम्ड ऑसिलेशन होता है कि धीरे धीरे ऑसिलेशन खत्म हो जाए, तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। डैम्पिंग करने का मतलब कोई भी इफेक्ट है उसको धीरे धीरे खत्म कर देना, जैसे कि हम लोग गैल्वेनोमीटर पढ़े थे, तो उसमें अगर ध्यान से देखे तो ऊपर वाला स्प्रिंग जो था अगर डिफ्लेक्ट करेगा तो थोड़ा सा डैम्प होगा रियल लाइफ में, ध्यान हो स्प्रिंग ऐसा लगाते थे हम लोग गैल्वेनोमीटर में, अगर ये डिफ्लेक्ट होगा तो तुरंत डिफ्लेक्ट होकर, मान लेते हैं बहुत ज्यादा हुआ, वहां रुक नहीं जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आके रुक नहीं जाएगा, ऑसिलेट करेगा। तो उसके जो क्वाइल है उसमें भी अगर लगा देते हैं तो थोड़ा सा इस डैम्पिंग को कम कर देते हैं, उस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो ये टॉपिक पहले भी बोले थे कि एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गया कि एडी करंट क्या होता है, तभी भी जाके एक बार पढ़ लो, कहाँ कहाँ यूज होता है उसको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एक दो नंबर में पूछता है स्कूल्स के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, इसमें अगर किसी कोई दिक्कत है, कष्ट है तो पूछ सकता है, बोलो। किसी को नहीं है,
नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेल्फ। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन वर्ड से ही आया है इंडक्टेंस, और सेल्फ यानी खुद की वजह से, यानी कि अगर कोई लूप है उसमें अगर खुद की वजह से इंडक्टेंस हो जा रहा हो तो उस चीज को बोलेंगे हम सेल्फ इंडक्टेंस, यानी खुद की वजह से इंडक्शन हो रहा हो। तो खुद से कैसे होगा, तो थोड़ा बहुत अगर ध्यान दें, चलो हम सिंगल एक लूप ही ले रहे हैं, तो अगर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें हम एक लूप ऐसा रखते हैं, अगर ये हमारा लूप है और इस मैग्नेटिक फील्ड को बोले कि इंक्रीजिंग है, यानी कि इनटू द प्लेन बढ़ रहा है, तो इनटू द प्लेन बढ़ रहा है तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ हम लोग लिखते हैं डी फाई बाई डी टी। फाई हम लिखते हैं एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, फाई बढ़ रहा होगा, ये चेंज बढ़ रहा होगा, ईएमएफ बढ़ रहा होगा, एंड आई लिखेंगे ई बाई आर, तो ये भी बढ़ रहा होगा। तो ध्यान से देखें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, तभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, इनटू द प्लेन है, तो उसको घटाने के लिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में बहेगा। अब ये करंट कैसा होगा उस पर बस विचार करें, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है यानी कि उसका चेंज हो सकता है कि कॉन्स्टेंट रेट से हो, या फिर वो भी इंक्रीजिंग हो। जैसे बी को अगर टी स्क्वायर के टर्म में ले लें, तो टाइम के साथ साथ फ्लक्स भी वेरी करता हुआ हमको दिखेगा, तो ईएमएफ भी हमको बढ़ता हुआ दिखेगा टाइम के साथ, टाइम का फंक्शन आ जाएगा टाइम के साथ साथ, तो भी बढ़ता हुआ रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम बी को बोले कि ये फंक्शन ऑफ कुछ ए टी स्क्वायर ले लेते हैं, ए कॉन्स्टेंट है, तो डीवी बाई डी टी करेंगे फाइव के लिए, तो ये टू टी आ जाएगा, और ईएमएफ भी करेंट ये टाइम का फंक्शन हो जाएगा। अभी ईएमएफ टाइम के साथ साथ के साथ साथ बढ़ेगा, तो इसलिए दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है तो करंट बढ़ा, करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, समय के साथ तो इस बढ़ते हुए करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर से इसमें बढ़ा होगा, यानी कि उसके बाद हम देखें इसको ऐसे कर सकते हैं। अगेन एक तो ये चीज देखें, अब उसी चीज का थोड़ा सा उल्टा हम देख रहे हैं। अगर ये लूप है, इसमें करंट ऐसे आई बह रहा है, ठीक है, ये करंट अगर आई बह रहा है, तो इसमें हम सिर्फ इनसाइड का बात कर रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसा बाहर की तरफ इस करंट की वजह से दिखेगा। ये जो है सब मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट की वजह से। अब अगर यहाँ पे हम बोले कि इफ आई इंक्रीजेस, आई बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये भी बढ़ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा इसका मतलब ईएमएफ कुछ मिलेगा, चेंज इन ईएमएफ कुछ मिलेगा। और ये ईएमएफ कब मिला इस केस में, यहाँ तो हम बाहरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखे, यानी कि इस लूप के करंट को चेंज करें और उसी की वजह से इसमें ईएमएफ हमको मिल गया, तो ये ईएमएफ जो मिला खुद की वजह से मिला, इसी चीज को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ की वजह से मिल रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे एक्सटर्नल को हम जीरो माने, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, लेकिन ये जो करंट है
ये इंक्रीजिंग है मान लिए हैं, करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड इससे जो प्रोड्यूस हुआ होगा वो भी इंक्रीजिंग हुआ होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो हो सकता है चेंज इन फ्लक्स कुछ आएगा ही आएगा, डेल्टा फाई जीरो नहीं होगा, यानी फ्लक्स चेंज हुआ होगा, इंक्रीजिंग होगा और डेल्टा फाई आएगा, यानी कि ईएमएफ हमको कुछ मिलेगा, और ईएमएफ मिला मतलब साफ है कि इंडक्टेंस दिख रहा है। पिछला केस हमने पढ़ा, ये चीज ऊपर वाला केस हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लूप रखे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ जनरेट हो रहा है, दिस इज इसको बोले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैसे ही यहाँ पे खुद में करंट चेंज होने की वजह से, यानी कि जो लूप है उसी में करंट चेंज होने की वजह से यहाँ पे हमको ईएमएफ नजर आ रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, यानी कि खुद की वजह से यहाँ पे दूसरा कोई मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया है, जो लूप है जिस लूप में हम कंसिडर कर रहे हैं उसी लूप की वजह से, उसी लूप में करंट चेंज होने की वजह से हमारा ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि कोई लूप है उसमें अगर अगर करंट को हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें एक इंडक्टेंस आ रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी कंडक्टर का और कॉइल का बोल सकते हैं कि अपने खुद में ही चेंज को अपोज कर रहा है, तो इसी प्रॉपर्टी को सेल्फ कंडक्ट सेल्फ इंडक्शन में। तो लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल या फिर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, बाय विच इट अपोज ठीक है, अगर कोई लूप है और उस लूप में खुद ही खुद की चेंज की वजह से अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस चीज को बोल देंगे सेल्फ इंडक्टेंस, फिर सेल्फ इंडक्शन हो रहा था इंडक्शन। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी लूप है तो लूप में अगर हम करंट चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हियर फाई जो है हमारा यानी फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा करंट, यानी कि अगर ये लूप है इस लूप में अगर करंट आई बह रहा है, ठीक है, तो ये अगर आई चेंज होगा तो इससे फ्लक्स भी खुद की वजह से चेंज होगा, यानी कि सेल्फ की वजह से फ्लक्स लिख रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट लिखते हैं एल, तो फाइ इज इक्वल टू आ गया हमारा एल आई। एल को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एल को बोलते हैं हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इसको बोलते हैं। अगर फाई हमको एलआई मिल रहा है तो ऑल्सो ईएमएफ जो होता है मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहे हैं, डी फाई बाई साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस एल तो कांस्टेंट है डी आई बाई टी, तो ईएमएफ अगर लिखेंगे तो ऐसा होगा, यानी कि अगर यहाँ ध्यान से देखें तो करंट अगर बढ़ रहा होगा तो अपोज करेगा, ये नेगेटिव रहेगा, करंट अगर घट रहा होगा
तो डीआई निगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग करंट होगा तो उस इंक्रीजिंग करंट को लूप में घटाने का कोशिश करेगा, अगर डिक्रीजिंग करंट होगा यानी कि करंट अगर लूप में घट रहा होगा तो ईएमएफ ऐसा जनरेट होगा कि उस करंट को बढ़ाने का कोशिश करेगा। सिमिलरली जैसा हम लोगों ने सारा केसेस देखा, तो इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है? यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक कोई लूप है उसमें करंट हमने चेंज करा, करंट चेंज होने की वजह से उसमें फ्लक्स चेंज हुआ, तो फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, और प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट आया एल, और यहाँ से हमने लिख दिया इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चेंज को अपोज कर रहा है, ठीक है? ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स ईएमएफ अपोजेस दी चेंज, ठीक है? नहीं, चेंज को जो लेंज लॉ ने कहा था उसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर करंट बढ़ रहा होगा तो उसको घटाएगा, करंट घट रहा होगा तो उसको बढ़ाएगा, यानी कि ईएमएफ ऐसा जनरेट हो जाएगा कि बढ़ाने का कोशिश करेगा। अब अगर हम हमारे पास कोई एक, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वायर है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ स्विच से कनेक्ट कर रखे हैं, इधर सर्किट कुछ भी है, ये वायर का पार्ट है, और एक बार यही वायर जो है ऐसा हम मोड़ दी, हो सकता है वायर को हम ऐसा फोल्ड कर दें, कनेक्ट नहीं किए हैं इसको, ऊपर से पार करा के फिर ले गए, ऐसा दो सिचुएशंस दे रखा है, ठीक है? दोनों सिचुएशन को समझते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है? ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, यानी कि प्लस ये माइनस, ठीक है? अगर हम इसको ऐसा क्लोज करेंगे तो करंट इसमें इधर से इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, और इसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ध्यान से देखो तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा इधर से ऐसा, यानी कि हम इस तरफ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरफ ऐसा क्रॉस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? वैसे ही ये भी हायर था, ये लोअर था, तो कनेक्टेड है, इसको भी हम कनेक्ट कर दिए, तो करंट इसमें ऐसा जाया, इधर की तरफ हमको डॉट ऐसा मिलेगा, यानी कि लूप के थ्रू अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट हमको दिख रहा होगा। अगर ये करंट इंक्रीजिंग होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग होगा तो देखो ध्यान से, इस लूप से करंट बाहर की तरफ इंक्रीजिंग है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसमें ईएमएफ कैसा जनरेट होगा, तो ईएमएफ इसमें इस तरीके से जनरेट होगा, ठीक है? यानी कि ये चीज हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है? यानी कि अब ध्यान से देखो कि ये करंट इधर जा रहा था, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ये इंड्यूस्ड करंट इधर की तरफ आया होगा और ये इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज कर रहा है, ठीक है? इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वायर है, पतला सा वायर है, तो हम उसमें चेंजेस को नहीं अज्यूम करते हैं, बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन वायर पतला सा है, पतला सा है, तो हम लोग थिकनेस को ऐसे ही निगलेक्ट करते हैं, तो इस केस में हम लोगों ने फ्लक्स चेंज का उतना कुछ मायने नहीं रखे। लेकिन जब उसी वायर को ऐसा हम मोड़ दिए, एक क्वाइल बना के ऐसा रख दिए, तब देख रहे हैं कि उस क्वाइल के थ्रू फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, यानी कि एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है जो उस करंट को, इंक्रीजिंग करंट को यहाँ पे डिक्रीज करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो यही जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पहले से मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, लेकिन इस करंट, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो था उसी की वजह से
जो है हमने देखा कि यहाँ पे एक पीछे की तरफ करंट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि अगर हम ग्रोथ का बात करें करंट का, तो इस केस में अगर हमने देखेंगे तो टाइम के साथ साथ करंट का वेरिएशन अगर देखें तो इसमें क्या होगा कि अगर मैक्सिमम करंट आई नॉट हुआ है, ये तुरंत बहुत कम ही समय पे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्ट किया होगा तो क्या होगा, नहीं तो तुरंत का तुरंत ही क्या होगा, करंट जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। लेकिन इस केस में अगर हम करंट का वेरिएशन देखेंगे टाइम के साथ साथ, अगर ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, बोल रहे हैं कि आई नॉट मैक्सिमम हुआ होगा, तो इस केस में टाइम लगाएगा। ठीक है, टाइम क्यों लगा उतना होने में, क्योंकि एक ईएमएफ और प्रोड्यूस हो गया जो इस बढ़ते हुए करंट को अपोज कर रहा था, यानी कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं मोर टाइम रिक्वायर्ड सिंस ड्यू टू इंक्रीजिंग करंट EMF produced will oppose। ठीक है, ज्यादा क्यों टाइम लगा, तो EMF जो प्रोड्यूस हो रखा है वो उस चीज को अपोज कर रहा है। अगर घट रहा होता, यही ध्यान से देखें कि करंट घट रहा होता, खुद से फिगर नहीं बना रहे, खुद से जैसे सोचो कि अगर यही करंट को हम बोलते कि ये करंट जो है टाइम के साथ साथ घट रहा है, तो ध्यान से देखो इसमें जो घटता हुआ करंट होता तो उस ईएमएफ जो जनरेट होता उस करंट को सपोर्ट करता, क्योंकि ईएमएफ का डायरेक्शन बदल गया होता। ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ आ रहा होता तो एक ऐसा ईएमएफ जनरेट होता जो उस करंट को सपोर्ट कर रहा होता, यानी कि ईएमएफ का डायरेक्शन इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया रहता अगर ईएमएफ घट रहा होता बाहर की तरफ। ठीक है, यानी कि हम इंक्रीजिंग ले रखे हैं तो उसको अपोज कर रहा है, अगर वही डिक्रीजिंग ले रहे होते तो सपोर्ट कर रहा होता। ठीक है, यानी कि इस केस में अगर घटाते तो तुरंत घट भी जाएगा, लेकिन उस केस में घटने में भी टाइम लगेगा। जैसे इस केस में अभी अगर स्विच को ऑफ कर दें तो करंट तुरंत जीरो हो जाएगा, लेकिन इस केस में अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट तुरंत जीरो नहीं होगा, जीरो होने में समय लगेगा, क्योंकि ये जो लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको सपोर्ट करने लगेगा, तुरंत जीरो नहीं होने देगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस से हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि कोई भी एक लूप है, उस लूप में करंट चेंज होने की वजह से उस लूप में खुद ही जो है एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बाहरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूज नहीं किया है, हमने जो उस लूप में या जो कंडक्टर है उसमें जो करंट था उसी करंट की चेंज की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है और उसी की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ है, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अगर हम ये बात समझ में आ गया कि सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास सोलेनोइड है तो उसके लिए क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड। अगर हमारे पास सोलेनोइड है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, तो हम जानते हैं कि सोलेनोइड जो होता है एक लूप नहीं होता है,
ऐसा लूप होता है। ठीक है, ऐसा कुछ लूप होता है। अगर हम इसमें ऐसा करंट बहाएं तो ऐसा करंट इसमें बह रहा होगा, सोलेनोइड ये होता है, इसी को बोलते हैं सोलेनोइड। इसमें अगर ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि अंदर में ऐसा यूनिफॉर्म होगा और बाहर में ऐसा कर रहा होगा। तो लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड है तो हम अंदर का ही बात करेंगे, बाहर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आसानी से फाइंड नहीं होता है, तो उसका हम लोग उतना जिक्र नहीं करेंगे। मोस्टली जो होगा इनसाइड का ही बातें होंगी कि इस इंडक्टर को कैसे हम यूज करेंगे। तो सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं तो होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते हैं म्यू नॉट एन आई। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसका लेंथ एल दे रखा हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, तो स्मॉल एन को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ एल, टोटल। ठीक है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितना है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन बाई एल। ठीक है, मोस्टली इसी के फॉर्म में दिया रहता है हमारा आंसर, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। लेट की आई जो है चेंजिंग है, ठीक है, चेंजिंग लेट से इंक्रीजिंग है। ठीक है, फिलहाल हम मान ले रहे हैं कि इंक्रीजिंग है टाइम के साथ साथ। तो अगर हम फ्लक्स लिखेंगे, ठीक है, तो फ्लक्स हम लिखते हैं एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जो हमारा लूप है, इस लूप का अगर रेडियस हम आर मान ले तो ये हमारा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हम इसको ए ही बोल दे रहे हैं। एरिया जो है ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई ए बाई एल। तो ईएमएफ यहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही बोल रहे हैं, तो ये होता है डी फाई बाई डी टी। तो यहां से अगर डी फाई बाई डी टी लिखेंगे तो ध्यान से देखो, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, ये चेंज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से फ्लक्स देखे हम लोग म्यू नॉट एन आई ए बाई एल, और यहां से इसको, तो यहां से ये फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इन वन लूप, ये वन लूप के लिए है। तो यहां से बोल सकते हैं फ्लक्स टोटल एन नंबर ऑफ लूप है, तो उसमें हम एन से मल्टीपल कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल टू आई। ठीक है, टोटल फ्लक्स हमको इतना मिलेगा। ये भी ईएमएफ एक लूप का है, टोटल अगर लिखेंगे तो ई टोटल अगर लिखेंगे तो एन से मल्टीपल हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई इंटू डी आई बाई डी टी। सेम उसी तरीके से एक लूप के लिए हमने ऐसा लिखा है, तो हर लूप में ऐसा अपोज हुआ होगा, तो हर लूप के लिए ये आएगा, यानी कि टोटल ईएमएफ ऑफ सोलेनोइड। अब हम इसको या फिर इस इक्वेशंस को, दोनों में से किसी को हम फाइव वाले से, यानी कि इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू होता है एल आई, यहाँ फाइव इज इक्वल टू इतना होता है, तो हम यहां से बोल दे रहे हैं Since phi is equal to li, this implies that l जो है mu not n square a by l है। सोलेनोइड के लिए अगर हमको कोएफिशिएंट निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन l, तो ये आएगा mu not n square a by l।
ठीक है, यानी कि सोलेनोइड के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। सोलेनोइड के अंदर मीडियम क्या है यानी कि म्यू नॉट, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर है, एरिया बढ़ाएंगे तो एल सेल्फ इंडक्शन बढ़ेगा, एल लंबा करेंगे यानी कि लॉन्ग सोलेनोइड लेंगे तो घटेगा। इसलिए जनरली जो हम सोलेनोइड यूज करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस अगर हमको घटाना होता है तो हम एरिया बहुत कम रखते हैं और लेंथ ज्यादा रखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी एल जो है हमारा आया तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। एंड सर्किट एज इंडक्टर। ठीक है, अगर इसी सोलेनोइड को, पतला सा सोलेनोइड यानी जिसका एरिया कम हो लेंथ ज्यादा हो, इसको सर्किट में अगर यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं इंडक्टर, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर्किट में अगर बनाएंगे तो ये इंडक्टर कहलाएगा, रिप्रेजेंटेशन है इंडक्टर का, और इसका इंडक्टेंस L लिखाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमको दिया रहे सोलेनोइड को अगर सर्किट में यूज करते हैं तो उसी चीज को बोलते हैं इंडक्टर। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो रेजिस्टर पढ़े, कैपेसिटेंस पढ़े, तो ये एक चीज आया इंडक्टर। ठीक है, यानी कि इंडक्टर है, कॉयल है, दिख रहा है कि अगर इसमें से हम वायरिंग में करंट को वैरी करेंगे तो इसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा। तो यहां से हम लोगों ने समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सोलेनोइड है और सोलेनोइड से हम अगर करंट चेंज करें, कांस्टेंट करंट ना रखें, तो उसमें एक सेल्फ ईएमएफ डेवलप होता है जिस जो कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल या एल डी आई बाई डी टी कहते हैं। दूसरा, फाई लिखे तो वहां से एल का वैल्यू हमको इतना मिल गया। ठीक है, अगर हम इन सब से एल का अगर हम SI यूनिट लिखना चाहें, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, एल का SI यूनिट अगर यहां से लिखना चाहो तो क्या आएगा, ईएमएफ है, ईएमएफ का वोल्ट होता है। ठीक है, ईएमएफ का वोल्ट होता है, टाइम सेकेंड आई करंट, तो उस टाइम में लिख सकते हो, तो SI वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर हमको दिख रहा है, इस चीज को बोलते हैं हेनरी। ठीक है, इसको कैपिटल H से लिखते हैं, इसका जो यूनिट होगा हेनरी होगा, और इसको हम लोग कैपिटल H से लिखेंगे, तो ऐसे यूनिट ऑफ इंडक्टर जो होगा वो यानी कि हेनरी होगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां से हमने देखा कि अगर सोलेनोइड है तो सोलेनोइड का ईएमएफ, सोलेनोइड के अंदर अगर हम करंट को वैरी कर रहे होते हैं तो एक सेल्फ इंडक्शन जनरेट होता है, और उस सेल्फ इंडक्शन को सर्किट वर्किट में यूज करते हैं तो उस चीज को बोल देते हैं हम लोग कि इंडक्टर है, सर्किट में यूज करते हैं, जिसका इंडक्टेंस एल को बोल देते हैं एक इंडक्टेंस। ठीक है, या फिर सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पूरा बोला जाए तो, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा हम सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको सर्किट में कैसे यूज करेंगे, तो इंडक्टर इन सर्किट, सर्किट में ये कैसा बिहेव करेगा उस चीज के बारे में बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर था, तो उन सबको सर्किट में हम लोगों ने देखा था, अब इसको देख रहे हैं। तो केस वन, जो हमारा करंट है इसमें ये कांस्टेंट है। ठीक है, करंट कांस्टेंट है, एक इंडक्टर है, इसमें से करंट आई जा रहा है और ये कांस्टेंट है, तो इसमें क्या हो, तो अगर देखे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हम इस इंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं मान रहे,
ठीक है, जब तक इसका रेजिस्टेंस वायर है तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस होगा, और जब तक रेजिस्टेंस कहा नहीं जाए तब तक रेजिस्टेंस को जीरो ही मानना है। तो यहाँ हम रेजिस्टेंस नहीं माने, कांस्टेंट करंट पास हो रहा है तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, हमें लिखना होगा तो ई होगा मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डीटी। ठीक है, ये को हम इन कांस्टेंट माने, इसको हम माने हैं कि ये कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी यानी इसका चेंज जो होगा वो हमको क्या मिलेगा, जीरो। रेजिस्टेंस है नहीं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वी ए माइनस वी बी जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि सर्किट में हमको कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ये सर्किट में हमको सिर्फ ऐसा एक कनेक्टिंग वायर जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर सर्किट में कांस्टेंट करंट है तो कांस्टेंट करंट के लिए ये हमको सिर्फ ऐसा एक वायर की तरह बिहेव करेगा। अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस दिया होगा तो रेजिस्टेंस को हम लोग वहां पे बना लेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस रहता तो रेजिस्टेंस आर लिख लेते, लेकिन फिलहाल कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखे हैं तो ये कनेक्टिंग वायर यानी कि शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यानी कि अगर इसको सर्किट में कहीं दिखेगा हमको इंडक्टर किसी भी सर्किट में, और अगर उस समय कांस्टेंट करंट पास कर रहा होगा तो हमको सिंपली इंडक्टर को भूल जाना है, एक वायर वहां ज़ूम करके बाकी का काम जो भी होगा करना होगा। सेकंड, केस टू, इसमें हम बोल रहे हैं कि करंट जो है इंक्रीजिंग है, करंट जो है इंडक्टर के थ्रू बढ़ रहा है, यानी कि ये हमारा इंडक्टर है और इस इंडक्टर से जो करंट आ रहा है आई वो बढ़ रहा है। ये दो इंड है ए और बी, तो वी ए माइनस वी बी हम लिखना चाह रहे हैं, जिसको ई एम एफ ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा तो या नेगेटिव होगा तो। ठीक है, ये होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, साइन के साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भी जो इसमें ईएमएफ आएगा, जैसे अगर हम देखते हैं, चलो पहले भी ए माइनस बीबी को भी लिखेंगे बाद में, फिलहाल हम इतना समझते हैं। ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, अभी हमने देखा था, ड्राइव किया था फाइ इक्वल टू एल आई, तो इसलिए ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो। अब यहां से ये जो है इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि डी आई बाई डी टी जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि अगर करंट इंक्रीजिंग है तो डी आई बाई डी टी जो वो पॉजिटिव होगा, और आगे एक माइनस लगा हुआ है तो ऑफकोर्स ये जो होगा नेगेटिव होगा, ये जो होगा ईएमएफ हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो करंट जो है ए से बी की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, नेगेटिव यानी कि उस के अपोज कर रहा होगा, यानी कि उसके अपोजिट, यानी जिधर करंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि डायरेक्शन हम यही अज्यूम कर रहे हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि इस समय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ईएमएफ है, जो भी ईएमएफ है इसका, यानी कि अगर हम इसको किसी बैटरी की वजह से किस
तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि इसमें जो ईएमएफ होगा इस इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करना चाह रहा होगा, यानी कि इसके थ्रू जो करंट होगा जो इस सर्किट में करंट है उसके अपोजिट होगा, यानी कि इस केस को हम अगर लिखेंगे तो ऐसा, ये ए है ये बी है, तो इसको हम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, करंट इसमें इधर है आई जो कि इंक्रीजिंग है, तो जो इसमें ईएमएफ है इधर है, इसका मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अगर यहाँ डायरेक्शन दे दिया है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, ये होगा ठीक है। तो यहां से अगर हमको दिख रहा है ऐसा चीज, अब करंट है तो हायर से लोअर की तरफ, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा या नेगेटिव टर्मिनल पे, तो इससे हम हायर और लोअर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम कह रहे हैं सर्किट में कैसे हम केवीएल यूज करेंगे वो बाद में बताएंगे, फिलहाल सिर्फ हम इतना यूज कर रहे हैं कि इस इंडक्टर को उस सर्किट से हटाकर एक बैटरी की तरह हम लोग ट्रीट कर लिए। अगर इस इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता तो उस रेजिस्टेंस को इस इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते, ठीक है। तो इस इंडक्टर को हम देख रहे हैं कि सर्किट में हम कैसे यूज कर सकते हैं। पहले देखिए कांस्टेंट था तो उसको सिंपल वायर से, अगर इंक्रीजिंग है तो उसमें ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है अपोजिट, तो हम ईएमएफ ऐसा यूज कर लेंगे। थर्ड बात समझ में आ गया होगा क्या करेंगे, ठीक है। केस थ्री, आई जो है डिक्रीजिंग है, ठीक है, ऐसा है आई बढ़ रहा है इधर से ही और ये डिक्रीजिंग है, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो अगर करंट इसमें डिक्रीजिंग है ए से बी की तरफ, ध्यान से देखो, ध्यान से हम बोल सकते हैं कि डी आई बाई डी टी ये जो होगा निगेटिव होगा, और इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं तो ये हमको मिलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि डिक्रीजिंग करंट के डायरेक्शन में होगा, घट तो रहा है लेकिन उसी के डायरेक्शन में होगा। यहाँ से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं ऐसा, और इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एल डी आई बाई। तो हमने देखा कि अगर इंडक्टर है सर्किट में तो करंट कैसा उससे वेरी कर रहा है उस हिसाब से हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि केवीएल यूज करते, मान लेते हैं सर्किट में फिलहाल हम यूज नहीं किए हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन का अगर हम बात कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन अगर हम इसको सर्किट में ऐसा यूज कर लिए करंट इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो सेम एज फॉर केवीएल बोल रहे हैं, केवीएल में हम लोग लूप में घुमा करते थे तो उसमें अगर हमको यूज करना है तो सेम एज बैटरी, बैटरी के लिए जैसे लिखते थे वैसा ही इसके लिए भी यूज करेंगे। एक बार ऐसा अगर हम कन्वर्ट कर लिए उसके बाद बैटरी की तरह हम ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं, कैसे। तो जैसे हम लोग देखते थे कि ये लोअर है ये हायर है, अगर हम इधर जा रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं तो डेल्टा वी हम लिखते थे कि हायर माइनस लोअर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिखते थे पॉजिटिव। वही अगर ये माइनस प्लस है और इधर से आते थे
लिखते थे ये हायर से लोअर जा रहे हैं, तो फाइनल कम है ये ज्यादा है, तो यहाँ डेल्टा भी निगेटिव लिखते थे। तो ये चीज हमको भी फॉलो करना है। एक बार अगर हम लोग डिसाइड कर लें कि कैसा क्या चेंज हो रहा है, तो हम इसकी तरह ट्रीट करके हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं सर्किट में। ठीक है, तो बैटरी वाला केसेस हम लोगों ने देखा था, तो इसलिए उस चीज को हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटर में कैसे यूज करना था, चार्जेस को देखना था, रेजिस्टेंस में करंट को देखना था, करंट हायर से लोअर जाता है, इसमें बस ईएमएफ का लोअर और हायर पोटेंशियल देखना है। जैसे इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करो। पंद्रह वोल्ट है, 0.5 हेनरी एल दे रखा है, तो एट मोमेंट ठीक है, गिवन मोमेंट आई जो है 5 एम्पियर है एंड इंक्रीजिंग विथ रेट। ठीक है, ये चीज फाइंड करना है। ऐसा हमको दे रखा है, एक सर्किट है, ऐसा हम लोगों ने करंट में सॉल्व करा है, तो यहाँ भी हमको सॉल्व करना है। हो गया, पांच बोल्ट हाई बार है, और किसी का वीवाई माइनस वीएक्स 15 है आंसर। एक मिनट, अच्छा ठीक है, हाई आएगा। क्वेश्चन में यहाँ डिक्रीजिंग दे रखा है, हम इंक्रीजिंग कर दिए हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जैसे केवीएल यूज करते थे, एक्स से शुरू कर रहे हैं तो लिखेंगे वी एक्स, यहाँ करंट जा रहा है तो हायर से लोअर, तो माइनस 5 × 1। बैटरी के लिए माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस 15। यहाँ पे लिखेंगे तो इस चीज को देखो, करंट जो है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है यानी कि इंक्रीजिंग है, यानी कि इसको अपोज कर रहा होगा, यानी कि बैटरी की तरह होगा, तो उसमें लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा, या फिर नहीं लिखना चाहते तो माइनस एल 0.5 × dI/dt इंक्रीजिंग है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसको 10 रख लेंगे, हमारा आ जाएगा वी वाई, तो वी वाई माइनस वी एक्स जो आ जा रहा है, ये आ जा रहा है -10 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो।
ऐसा ही क्वेश्चन और देते हैं। ऐसा दे रखा है, ये पॉइंट सी है। Find potential of point C. ठीक है, point C का potential find करना है if rate of increase of current in resistance is 2.5 ampere per second. ठीक है, ये दे रखा है, ऐसा सर्किट दे रखा है, इसका हेनरी 4H है, इसका इंडक्टेंस 4H है, और कुछ नहीं है क्या? पॉइंट सी का पोटेंशियल फाइंड करना है। एट द गिवन मोमेंट एट द गिवन मोमेंट आई थ्री कितना हो जाएगा बोलो,
ये प्लस माइनस यानी कि आई थ्री इधर, आई टू इधर से इधर जा रहा है, तो आई थ्री हमको मिल जाएगा 1.6। बोल रहा है कि इस कितना 15 है, -15 -15 माइनस। हाँ ठीक है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, बस करंट डिसाइड करना है, फिर पोटेंशियल लिख के सॉल्व करना है। जीरो और किसी का आया? देखो बता देते हैं इसको, कर लेना। जैसे कि यहाँ पे करंट हमने देख लिया, तो यहाँ से अगर करंट बोल रहा है कि इसके अक्रॉस करंट जो है 2.5 से इंक्रीज कर रहा है, तभी 1 है, तो पर सेकंड में 1 से 3.5 होगा, यानी कि इस जगह का पोटेंशियल अभी देखें तो 0 होगा, सेकंड के बाद चेंज क्या आएगा, तो करंट 3.5 यानी 35 वोल्ट होना चाहिए, तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऐसा दिख रहा है ये 10 वोल्ट है। करंट अगर 1 एम्पियर है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 मिलेगा। अगर ये करंट जो है कितना हो जा रहा है, 2.5 से बढ़ गया, 2.5 एम्पियर पर सेकंड, तो 3.5 अगर कर दिए तो ये 10 है, 35 का ड्रॉप होना चाहिए, तो यहाँ पे -25 होना चाहिए, तो -25 यहाँ 40 है, तो 40 है यहाँ पे 0, यानी कि 40 का डिफरेंस था, अब -25 हो जा रहा है, 65 का डिफरेंस हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि ईएमएफ क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, उससे निकाल सकते हैं। फिर गिवन इंस्टेंट पे देखो तो हो गया 40, गिवन इंस्टेंट कहीं देखना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 10 वोल्ट, इधर करंट 1 एम्पियर, ये 10, तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल 0, ये 40, ये पोटेंशियल 0, यानी कि इसके क्रॉस का डिफरेंस 40 है और इंडक्टेंस ये, तो DI/DT यानी रेट ऑफ चेंज हमको मिल जाएगा इसके क्रॉस इसमें से कि 40/4 यानी कि 10 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, चेंज के लिए फिर उससे ज्यादा जरूरत है नहीं, इधर ये 0 तो ये फिर से 10, इधर का अगर हम देखें तो कैसा चेंज आएगा, तो आ जा रहा है 1.625। ये 10 2.5 12.5 into 12.25, ठीक है, ये 0 है तो ये आ जा रहा है 10, और इधर का अगर हमको दिख रहा है कि इधर इंक्रीजिंग है 10 एम्पियर पर सेकेंड, इधर है 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर पर सेकेंड, तो इधर बढ़ रहा होगा कितना, तो 12.5 एम्पियर पर सेकेंड, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं अगर इंडक्टर के क्रॉस, तो DI/DT 12.5 है, 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ का अगर हमको 10 है तो 10 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का हमको मिल जाएगा -15, ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा हमारा सॉल्व करने का। बाकी अगर इसको स्टेप वाइज KVL कैसे लिखकर ट्राई कर लेना है, एक बार लिख लेना है, ठीक है, यानी कि इंडक्टर के क्रॉस हम क्या देखें कि इसके क्रॉस 2.5 एम्पियर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, तो यहाँ का हम पोटेंशियल निकाल ली इधर से आए, तो फिर यहाँ 40 है, 0 है, डिफरेंस 40 का है, तो इधर का हम चेंज इन करंट निकाल लिए, क्योंकि ईएमएफ जो होता है
एल डी आई बाई डी टी होता है। यहाँ से डी आई बाई डी टी हमको मिल गया, ईएमएफ डिफरेंस 40 दिख रहा है, 40/4 10, तो इधर से 10, इधर से 2, तो ऊपर जा रहा है 2.5, तो 12.5 उस तरीके से हम लिख लिए। तो डिफरेंस 25 का आया, ये 10 है, 10 में से 25 जाएगा तो माइनस 15 आएगा, ठीक है, लोअर पोटेंशियल पे ऊपर वाला सी तो माइनस 15, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग सर्किट में यूज करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे कि अगर इंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कैसे करंट का वेरिएशन होता है। सिर्फ इंडक्टर को करंट करेंगे तब, या इंडक्टर को किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तब, या फिर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे तब। तो ये सारे चीजें हम लोग को इस केस में डिस्कस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वही ग्रोथ ऑफ करंट यूज कर देखेंगे, ग्रोथ ऑफ करंट कैसा होगा किसी भी इंडक्टर में, फिर डीके ऑफ करंट, फिर एलसी ऑसिलेशन, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस और एसी जनरेटर। चार पांच टॉपिक बच रहा है हम लोग का, 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, इस वीक में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे और बस हो गया। ठीक है, फिर किसी भी बात में किसी को दिक्कत है, कष्ट है तो पूछ लो। नहीं है सर? हाँ सर, एक क्वेश्चन आया था स्कूल के एग्जाम में कि शो दैट द लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? न्यूमेरिकली कहना तो थोड़ा मुश्किल ही है, इसमें बस सर आंसर सिंपल लिख ही देंगे ना? हाँ सिंपल ही लिखना है, जैसे कि अगर हम क्या बोलते हैं, हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो मोशन को अपोज कर रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको अपोज करने के लिए इसमें जनरेट हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो रहा है इसमें अपोज करने के लिए, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। और सुमन पाल का एक क्वेश्चन था कि ऐसा 7 रॉड्स जोड़े हुए हैं, ठीक है, देख लो सब हिट का ही है, यहाँ से इसके सेंटर पे एक जोड़ा हुआ इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 रॉड है, सातों सेम टेम्परेचर पे है, इधर 100 डिग्री सेल्सियस रख दिया गया, इधर 20 डिग्री सेल्सियस था, इनिशियली सब 25 डिग्री सेल्सियस पे था, तो हमको इस पॉइंट M का टेम्परेचर बताना था। तो ध्यान से देखो, तो इसका कोई भी, इसका रेजिस्टेंस, इसका और इसका थर्मल रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो सेम आया होगा, ठीक है, रॉड है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, आइडेंटिकल दे रखा है, तो थर्मल रेजिस्टेंस सबका सेम है, तो हमको यहाँ पे वीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, वीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर और इस पॉइंट का टेम्परेचर दोनों सेम रहेगा, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो 25 डिग्री पे अगर जोड़े होंगे तो इसका टेम्परेचर 25 ही रहेगा, क्योंकि इससे हीट कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। सुमन ठीक है, तो इसको देख लेना, आज इतना रहने देते हैं, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।